आज हम बनाने वाले हैं हैदराबादी पनीर, वो भी बिना प्याज लहसुन के। हैदराबादी पनीर आप बड़े ही आराम से घर की रखी चीजों से बना सकते हो। अगर आप मटर पनीर, कढ़ाई पनीर खा के बोर हो गए हैं तो ये यूनिक रेसिपी जरूर ट्राई करें। फुल रेसिपी देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और कीर्ति के ट्विस्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर ये मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ग्रेवी के लिए मसाले तैयार कर लेंगे। मसालों में हम लेंगे 4 टमाटर, 2 हरी मिर्च, 10-12 काजू और थोड़ी सी अदरक के टुकड़े। और ये मैंने लिया है 250 ग्राम के करीब पनीर, जिसे हम अपने मनचाहे शेप में काट लेंगे। अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई, उसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल के उसमें आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और फिर जो कटे हुए पनीर के क्यूब्स हैं हम कढ़ाई में डाल के थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। पनीर को हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस मसालों के साथ इसे बढ़िया से मिला लेंगे थोड़ी देर के लिए। आप चाहें तो घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर भून चुका है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं और उसी कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। तेल में अब कुछ खड़े मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें हम लेंगे 2 छोटी इलायची, 4 से 5 काली मिर्च, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 1 चम्मच जीरा। आप चाहें तो बड़ी इलायची भी ऐड कर लें। इसमें हम कटे हुए अदरक, 2 हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और फिर रफली चॉप किए हुए 4 टमाटर भी डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे, इससे ये टमाटर को बहुत जल्दी पका देगा। सभी को बढ़िया से मिक्स करके हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। आप देख रहे हैं टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। इस स्टेज पर हम डालेंगे 1 कटोरी भर के पालक। पालक को मैंने बहुत बारीक नहीं काटा है, बस रफली ही चॉप करके डाल दिया है। और 10 से 12 हम काजू भी इसमें ऐड कर देंगे और फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन फिर लगा देंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन खोलकर देखेंगे। आप देख रहे हैं मसाले बहुत बढ़िया से पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और मसालों को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे और इसमें डालेंगे थोड़े से धनिया के पत्ते और इन सभी का हम बढ़िया सा पेस्ट बना लेंगे। अब हम वही कढ़ाई गैस पे चढ़ा देंगे। आप चाहें तो दूसरी कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं और इसमें डालेंगे 1 चम्मच बटर, बारीक कटा हुआ अदरक, 1 हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पालक। कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे और जो हमने पेस्ट तैयार किया हुआ था इसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे। ग्राइंडर जार में डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे कढ़ाई में डाल देना है। मसालों को हम भूनेंगे नहीं, क्योंकि मसाले हमने शुरुआत में ही भून लिए थे। अब हम कढ़ाई का ढक्कन लगा देंगे और इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। और फिर इसमें डाल देना है 2 बड़ा चम्मच क्रीम। आप घर की रखी हुई मलाई भी फेंट के डाल सकते हैं। क्रीम डालने के तुरंत बाद ही हमें इसमें पनीर भी ऐड कर लेना है और 2 से 3 मिनट के लिए ढक के इसे और पका लेना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम कढ़ाई का ढक्कन हटाकर देखेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हैदराबादी पनीर बनके तैयार हो गया। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस मज़ेदार रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें और इंजॉय करें पूरी राइस रोटी पराठे के साथ। और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये मज़ेदार रेसिपी कैसी लगी। तो पसंद आए तो वीडियो के नीचे क्लिक करके लाइक और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।